हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बात करेंगे। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में उनका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से पहले हमें पता होना चाहिए एंजाइम क्या होते हैं। सबसे पहले ये चीज पता होना चाहिए। तो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट। क्या होते हैं? दीज आर बायो कैटलिस्ट, यानी जो एंजाइम होते हैं वो बायो कैटलिस्ट होते हैं। और बायो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं उनको इंक्रीज करना, विच इंक्रीज और डिक्रीज डिक्रीजेस द बायोलॉजिकल रिएक्शन। यानी जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं उनको इंक्रीज करना और डिक्रीज करना किसका काम होता है, बायो कैटलिस्ट का काम होता है, यानी कि एंजाइम का काम होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज, जो एंजाइम है वो बने किस चीज के होते हैं, जो एंजाइम है वो बने होते हैं किसके, प्रोटीन के। दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो सारे के सारे जो एंजाइम होते हैं, यानी मोस्टली एंजाइम जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑल एंजाइम कैन बी प्रोटीन। यानी सारे एंजाइम लगभग क्या हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, बट ऑल प्रोटीन कैन नॉट बी एंजाइम, बट ऑल प्रोटीन कैन नॉट बी एंजाइम। तो रीजन देखो, यहां पे दूसरी चीज क्या हो जाएगी, बट ऑल प्रोटीन कैन नॉट बी एंजाइम। ये चीजें ध्यान रखें, यानी सभी एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन जो है वो एंजाइम नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। एंजाइम के बारे में हमें पता लगे, अच्छा एंजाइम के बारे में एक और बात क्या है, कुछ एंजाइम, देखो ये मोस्टली हमें किसके बने हैं, ये बने हैं प्रोटीन के। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो बने होते हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड के। सब एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, यहां पे नोट करके क्या बात हो रही है, सम एंजाइम आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यानी कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, तो उन एंजाइम को हम कहते हैं राइबोसाइम। ठीक है, उन एंजाइम को क्या कहते हैं, राइबोसाइम। दो एंजाइम आर नोन एज राइबोसाइम, यानी ऐसे एंजाइम जो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। यहां पर हमने पढ़ा कि मोस्टली किसके बने होते हैं, प्रोटीन के, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड के जो एंजाइम बने होते हैं उनको हम कहते हैं राइबोसाइम। उनको हम क्या कहते हैं, राइबोसाइम कहते हैं। जैसे यहां पर एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, जैसे आरएनएज एंजाइम, जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है। ठीक है, ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज पढ़ेंगे हम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं दो टाइप के। रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक तो होते हैं एंडोन्यूक्लियस होते हैं एक तो, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, दो तरह के एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को एक दूसरा नाम भी हम देते हैं, रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होते हैं इनको हम मोलिकुलर सीजर भी कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज, इनको हम मोलिकुलर सीजर भी कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑल्सो नॉन एज मोलिकुलर सीजर
मोलिकुलर सीजर भी कह सकते हैं, ठीक है, मोलिकुलर सीजर भी कह सकते हैं जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं एंडोन्यूक्लियस और एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, देखिए ये मोलिकुलर सीजर है तो इनका काम होता है डीएनए को कट करना, मोलिक्यूल्स को कट करना। तो एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये डीएनए को कट करते हैं स्पेसिफिक साइट से, ये क्या करते हैं, दीज कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, स्पेसिफिक साइट यानी स्पेसिफिक साइट से कट करते हैं, विच इज नोन एज रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन साइट यानी उसको क्या कहा जाता है, रिकॉग्निशन साइट कहा जाता है, जो इनकी स्पेशल साइट होती है उसको क्या बोल देते हैं, रिकॉग्निशन साइट कह देते हैं। और एंडोन्यूक्लियस में फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, इको आर वन, इको आर वन जो होता है यानी इकोलाई, इस चेरी से कोलाई से ये बनाया गया है, इको आर वन जो होता है इसकी जो स्पेसिफिक साइट होती है वो होती है जी ए ए टी डी सी, ठीक है। तो ये क्या होती है, इसकी स्पेसिफिक साइट होती है और इसका जो स्पेशल जो कट कहां पे लगाता है, जी और ए के बीच में क्या करता है, कट लगाता है, ठीक है। तो ये ईको आर होगी। उसके बाद आता है एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस का काम क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस का काम भी यही होता है, लेकिन ये क्या करता है, ये करते हैं एंड से, दीज कट द डीएनए एट एंड पोजिशन, एट एंड पोजिशन, ठीक है। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, एंड पोजिशन से डीएनए को कट करता है, और एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, इनकी स्पेसिफिक साइट होती है वहां से कट करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, इको आर वन क्या है, स्पेसिफिक साइट है, ये इस साइड पे क्या करता है, जी और ए के बीच में क्या करता है, कट लगाता है और हमें स्टिकी एंड दे देता है, जो एंड यहां पे बनते हैं वो स्टिकी एंड बन जाते हैं, ठीक है।